हेलो स्कॉलर्स कैसे हैं आप सब साइंस के चैप्टर थर्टीन मोशन एंड टाइम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग तो चलिए स्टार्ट है, करते हैं इन क्लास सिक्स यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट कुड बी सर्कुलर और पेरियोडिक कैन यू रिकॉल दिस थ्री टाइप ऑफ मोशन टेबल थर्टीन गिव सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोशन आइडेंटिफाई दाइप ऑफ मोशन इन ईच केस क्लास सिक्स में जब हमने मोशंस के बारे में पढ़ा था तब क्या जाना था मोशन कितने तरीके के जाने थे हमने कुछ मोशन ऐसे थे जो स्ट्रेट लाइन में थे ओके okay? कुछ थे जो सर्कुलर थे और कुछ क्या थे पीरियॉडिक थे पीरियॉडिक स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर में क्या डिफरेंस था स्ट्रेट लाइन सपोज यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है और बढ़ते 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 एक स्ट्रेट लाइन को एक पाथ को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन और इसके बाद में सर्कुलर मोशन क्या था सर्कुलर मोशन में जो मोशन था ये किसी भी सेंटर के राउंड ऐसे घूम रहा है और वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है इसको हम क्या बोलते थे दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन और पीरियडिक मोशन में क्या था पीरियडिक मोशन आप याद करें तो क्या था एक कोई सेंटर पॉइंट है उससे अगर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है और फिर अगेन क्या क्या हो रहा है वापस आ रहा है सेंटर को क्रॉस करते हुए राइट right साइड में जा रहा है फिर वापस सेंटर पे आ रहा है दैट इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन ओके तो अब ये जो हमने तीन तरीके के मोशंस पढ़े थे इन्हीं पे डिपेंड है एक, एक लिस्ट बनी हुई है टेबल है इनमें कुछ मोशंस दिए हुए उनके टाइप बताने हैं आपको सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट मार्च पास्ट में जो सोल्जर्स चल रहे होते हैं वो किस मोशन को फॉलो करते हैं दे फॉलोज स्ट्रेट लाइन मोशन ओके वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन नेक्स्ट क्या है मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड एक बुल्ड जो है स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो उसका मोशन किस टाइप का होगा दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन मोशन नेक्स्ट हैंड्स ऑफ एन एथलीट रेस एक रेस में एक एथलीट जो है दौड़ रहा है तब उसके हैंड्स का मोशन क्या होगा हैंड्स क्या होते हैं आगे की तरफ जाते हैं फिर पीछे की तरफ आते हैं फिर आगे की तरफ जाते हैं देन इट इज अ पीरियोडिक मोशन ओके नेक्स्ट पैडल ऑफ ए बाइसिकल इन एक बाइसिकल जब आप चलाते फॉलो करता है नेक्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड अराउंड जो हमारी अर्थ मोशन कर रही है दट इज ऑल्सो अ सर्कुलर मोशन नेक्स्ट मोशन मोशन ऑफ अ स्विंग एक झूला जो है वो क्या होता है सेंटर लाइन से राइट right जाता है फिर अगेन लेफ्ट जाता है दैट इज पेरियोडिक मोशन ओके नेक्स्ट मोशन ऑफ अ पेंडुलम पेंडुलम क्या है पेंडुलम का मोशन क्या कहलाता है पेरियोडिक मोशन ओके तो इस तरीके से हमने इस लिस्ट के कुछ मोशन को देखा अब आगे क्या है इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ फास्ट फास्ट आपने देखा होगा कि कुछ मोशंस आपको देखने में लगता है कि वो स्लो हैं कुछ फास्ट हैं तो नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा क्या है 13.1 स्लो और फास्ट स्लो और फास्ट क्या होता है वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स अब स्लो और फास्ट आप किसी चीज को कैसे बोलेंगे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ व्हीकल्स होते हैं जो तेज चलते हैं इवन वो कभी कभी स्लो भी चलते हैं कभी तेज भी चलते हैं तो स्लो और फास्ट है क्या ए लिस्ट ऑफ टेन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ ग्रुप मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट स्लो एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड इज मूविंग फास्ट इफ वेहीकल आर मूविंग ऑन रोड इन द सेम डायरेक्शन लुक एट दोशन ऑफ द्हकल्स मूविंग ऑन द रोड देखिए कोई भी चीज कौन सी स्लो है कौन सी फास्ट है इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे जब एक दूसरे से कंपेयर होगा अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पर कई सारे व्हीकल्स दौड़ रहे हैं तब आप उनको देख करके इजिली बता सकते हैं कि कौन सा व्हीकल फास्ट है या कौन सा व्हीकल स्लो है कैसे बताएंगे इसके लिए क्या है एक एक्टिविटी है लुक एट फिगर थर्टी फाइन वन इट शोज सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंस ऑफ टाइम Now look at figure 13.2. It shows the position of the same vehicle after some time. From your observation of the two figures, answer the following question. देखिए यहाँ पर नीचे दो फिगर दिए हुए हैं एक 13.1 दूसरा 13.2 अब इनको अच्छे से देखिए 13.1 क्या है एक एक पिक्चर ली गई है उसमें क्या है कुछ व्हीकल्स हैं इनकी पोजिशन मार्क कीजिए कहाँ पर है कौन सा व्हीकल ओके जैसे ये येलो वाली व्हीकल कहाँ है ये ग्रीन वाली कहाँ है ये ब्लू वाली कहा है और कुछ टाइम के बाद कुछ सेकेंड्स के बाद में एक दूसरी दूसरी पिक्चर ली गई है सेम इन्हीं व्हीकल्स के लिए और इसमें इनकी पोजिशन देखनी है सेम वही पिक्चर है उनकी पोजिशन देखनी है कि रेड वाली कहां पहुंच गई येलो वाली कहाँ पहुंच गई अब अगर आप देखेंगे तो क्या है देख रहे हैं आप कि ये जो ग्रीन वाली आपकी ये व्हीकल है देखिए ये ग्रीन वाली व्हीकल ने कुछ टाइम के बाद जब हमारा मूवमेंट हुआ तब कहा पहुंच गए ये सबके आगे पहुंच गए मीन्स आप इसको देख के बता सकते हैं कि इस पिक्चर में आपको देख करके पता चल रहा है कि ये ग्रीन वाली व्हीकल क्या है ये बाकी व्हीकल से फास्ट होगी अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको बताना है क्या क्वेश्चन है विच व्हीकल इज मूविंग ऑफ ऑल दिच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड

your bicycle at the same time as the bus begins to move. Suppose आप किसी अपने friend को see off करने गए bus stand पे और आपने जब उसकी bus move हुई उसी समय आपने भी अपनी cycle को paddling करना शुरू कर दिया थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है The distance covered by you after five minutes would be much smaller than that covered by the bus. अब सपोज पांच मिनट साइकिल चलाने के बाद क्या हुआ जिस फ्रेंड को आपने बस में बैठाया वो बस मूव हुई और आप भी मूव हुए अपनी बाइसिकल से दोनों एक साथ चले फाइव मिनट्स के बाद अगर आप देखेंगे तो आप बहुत पीछे रह गए और बस कहाँ निकल गई बहुत आगे निकल गई तो एक सर्टेन टाइम में क्या हुआ डिस्टेंस किसने ज्यादा कवर कर ली बस ने मींस बस क्या है साइकिल से फास्टर है वुड यू से दैट दी बस बस इज मूविंग फास्टर देन बाइसिकल यस

और जो एथलीट मिनिमम टाइम में उसको 100 मीटर की रेस को कवर कर लेता है वो विनर होता है मींस उस एथलीट की स्पीड जो है हाईएस्ट होती है उसने सबसे तेज स्पीड में जो है रेस कंप्लीट की हुई होती है इसीलिए वो विनर है तो फास्ट और स्लो हमने जब जाना तब क्या है? एक वर्ड आ गया स्पीड तो स्पीड क्या होती है नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है थर्टीन पॉइंट टू स्पीड स्पीड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ओके okay? टिल Bye. Bye.